किसान भाइयों, क्या आपने कभी इस तरह की स्थिति का सामना किया है? आप सब कुछ अपनी खेती में सही कर रहे हैं, सही एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, सही फर्टिकेशन, सही प्लांटिंग मटेरियल, उसके बावजूद भी आपको सही परिणाम नहीं मिल रहा है। सामान्यतः अपेक्षित एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आके भूल रहे होंगे, यह है प्लास्टिक फिल्म की सफाई। जी हाँ, यह एक गौर करने योग्य बात है। एक छोटी सी गलती, जबकि आप प्लास्टिक फिल्म साफ नहीं करते हैं, तो आपको काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन लॉस और फाइनेंशियल लॉस कर सकता है। अलग अलग तरह का ग्रीन हाउस फिल्म लगभग 88-94% लाइट ट्रांसमिशन करता है। गुजरते वक्त के साथ वातावरण का धूल प्लास्टिक व जमा होकर लाइट ट्रांसमिशन को कम करता है। अगर आपका प्रोजेक्ट झील के किनारे या हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया या ज़्यादा बारिश अथवा छायादार जगह पे है, तो जमा हुआ धूल जो है एल्गी के लिए मिट्टी का काम करता है। एल्गी एक सिंपल नॉन फ्लावरिंग और सिंगल सेल्ड एक्वेटिक प्लांट है। एल्गी में क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन इसके अंदर तना, रूट, पत्ते और वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। प्लास्टिक में जमी हुई धूल और वातावरण की नमी या फिर बारिश एल्गी के ग्रोथ के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। एल्गी के फोटोसिंथेसिस के कारण प्लास्टिक बाहर से हरा दिखने लगता है। ग्रीन हाउस पर जमा हुआ एल्गी लाइट ट्रांसमिशन को लगभग 50% तक कम कर सकता है। कम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के चलते प्लांट का ग्रोथ लैंकी और हमारा प्रोडक्शन लॉस भी होता है। ये बहुत ही आवश्यक है कि प्लास्टिक को साल में कम से कम 2 बार साफ करें, एक बार बादल छाए हुए बारिश के दिनों में और दूसरी बार जाड़े के दिनों में, जबकि प्रोडक्शन का प्राइस सबसे ज़्यादा रहता है। अगर आपका प्रोजेक्ट धूल वाले इंडस्ट्रियल जोन में है, तो यह काम तो बिल्कुल ही आवश्यक हो जाता है। आप एक साफ प्लास्टिक और गंदे प्लास्टिक का अंतर इस तस्वीर में देख सकते हैं। एल्गी ग्रोथ के बाद प्लास्टिक इतना गंदा दिख सकता है, और इसको हटाने का एकमात्र तरीका है कि हम प्लास्टिक की सफाई करें। आप देख सकते हैं कि यह प्लास्टिक किस तरह साफ़ किया जाता है, और साफ़ और गंदे प्लास्टिक के बीच कम से कम 50% लाइट ट्रांसमिशन का फ़र्क है, और इस फर्क के कारण आप अपना प्रोडक्शन और पैसा दोनों गंवा सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा उपज के लिए प्लास्टिक की सफाई बहुत ही ज़रूरी है। आप एक साफ प्लास्टिक और एक गंदे प्लास्टिक के बीच में लाइट ट्रांसमिशन का फ़र्क देख सकते हैं। ग्रीन हाउस में समुचित प्रकाश ना आने के कारण क्रॉप नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। एक छोटी सी सलाह मानने के कारण आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं उसी ग्रीन हाउस से। प्लास्टिक की सफाई एक सॉफ्ट ब्रश और सादे पानी से कर सकते हैं। आप इसकी सफाई एक टी बना करके भी कर सकते हैं, जिसके दूसरे ओर एक शेड नेट बंधा हो। शेड नेट जो है काफ़ी फ्रिक्शन प्रदान करता है सफाई के वक्त। एक सॉफ्ट क्लॉथ बांध करके भी प्लास्टिक की सफाई की जा सकती है। टी बनने के बाद या तो आप सीढ़ी लगाकर या ग्रीन हाउस के गटर पर खड़ा होकर के सादे पानी का छिड़काव करके प्लास्टिक की सफाई दिखाए गए वीडियो के अनुरूप कर सकते हैं। प्लास्टिक की सफाई के लिए पावर स्प्रेयर या फिर पाइप में बिल्कुल सादे पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और दिखाए गए वीडियो के अनुसार सफाई कर सकते हैं। दोस्तों, अपने ग्रीन हाउस प्लास्टिक की सफाई की आदत डाल लें, अपने ग्रीन हाउस से ज़्यादा उपज कमाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक और किसान भाइयों तक शेयर करना ना भूलें। हो सकता है कि उनका इस पावरफुल टिप से कुछ फ़ायदा हो जाए। ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, और लॉग ऑन टू www.agriplast.co.in